सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं डेक्सोरेंज पेडियाट्रिक्स सिरप, जो कि एक हेमटेनिक सिरप है, आयरन टोनिक है। दोस्तों, आज हम इस सिरप के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसके क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, कितनी मात्रा में आप अपने बच्चे को इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, या अपने पतले दुबले बच्चे को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और आपका बच्चा अधिक से अधिक खान पीन में अच्छी तरीके से बढ़ोतरी कर सके, अच्छी तरीके से उसका ग्रोथ हो सके। तो हमारी वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि डेक्सोरेंज दो प्रकार का आता है। दोस्तों, यह सिरप पेडियाट्रिक सिरप है, एक बड़ों का सिरप भी आता है, जिसे मेल और फीमेल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके दोस्तों आपको बाजार में कैप्सूल भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यह सिरप 60 ml की पैक में फ्रेंको इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। दोस्तों, यह सिरप आपको बाजार में किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अगर हम इसके MRP की बात करें तो दोस्तों, इस सिरप की MRP 73 rupees 40 paise है। दोस्तों, यह एक आयरन टोनिक है, हेमटेनिक सिरप है। दोस्तों, अगर हम इसका कंपोजिशन की बात करें तो बहुत अच्छा कंपोजिशन दिया है इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हीमटेनिक सिरप ऑफ प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। और दोस्तों, यह ऑरेंज फ्लेवर में है, जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक जायके से ही बच्चे का इस दवाई को पी सकता है, बड़े मज़े से जायके से इस दवाई को पीता है बच्चा। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों, बेसिकली इस सिरप को आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करा सकते हैं, या बहुत से बच्चे होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, फोलिक एसिड यानी कि खून की कमी होती है। तो दोस्तों, फोलिक एसिड खून की कमी को पूरा करेगा, हीमटेनिक जो कि हमारे शरीर के जो बच्चे के शरीर की जो मांसपेशी होती है उनमें ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आयरन की कमी होती है, दोस्तों आयरन में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। विटामिन B12 यानी कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन इसके अंदर पड़े हुए हैं, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है और RBC को भी ग्रोथ करता है, प्लेटलेट्स बढ़ाता है और बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों ये काम करता है। प्रोटीन की मात्रा कम हो तो दोस्तों प्रोटीन में भी ग्रोथ करता है, या किसी का बच्चा पतला दुबला सा हो उसमें भी दोस्तों ये ग्रोथ अच्छी तरीके से करता है। दोस्तों, ये लीवर सेफ सिरप है, इस सिरप को पीने से बच्चे के लीवर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इस सिरप को इस्तेमाल करा सकते हैं। ये दोस्तों आपका बच्चा है वो अच्छी तरीके से खाता पीता नहीं है, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है, उसकी उम्र भी ठीक हो गई है लेकिन वो फिर भी पतला दुबला है, चिड़चिड़ापन सा रहता है, दोस्तों आप इस सिरप को इस्तेमाल कराइए। मात्र 1 से 1.5 हफ्ते में आप इसको अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका बच्चा फलेगा फूलेगा, अच्छी तरीके से तंदुरुस्त आपको दिखाई देगा। दोस्तों, आप इस सिरप को डॉक्टर की सलाह से भी इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर हम इसके मात्रा की बात करें, डोसेस की बात करें कि कितनी मात्रा में आप इस सिरप को बच्चों को इस्तेमाल करा सकते हैं, दोस्तों यह सिरप आप छोटे बच्चों के लिए दिया गया है, जैसे कि पीडियाट्रिक इस पर लिखा हुआ भी है। आप इसको, ये जो ढक्कन है इसका, ये सुबह शाम दे सकते हैं आधा आधा ढक्कन, अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है, या फिर 5 साल तक का बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, तो इसमें आप थोड़ा सा 7 ml समथिंग इस ढक्कन को इस्तेमाल करा सकते हैं। 7 ml इतना होगा और 5 ml इतना होगा। अगर छोटा बच्चा है आपका तो 5 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल कराइए, और 7 ml इसको बड़े बच्चे को दिन में 2 बार इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके साथ में आप दोस्तों पानी भी पिला सकते हैं, या फिर ये ऑरेंज फ्लेवर है ही, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, तो आप बिना पानी के भी इस सिरप को इस्तेमाल करा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे का पेट चल जाना, यानी कि दस्त का हो जाना और उबकाई का आ जाना, पसीने के ज़्यादा मात्रा में आ जाना, बच्चे में चिड़चिड़ापन, पेट में अफारापन हो जाना, ये इस तरह के दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो आप इसको ओवरडोज इसको बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल जितनी मात्रा में आपको बताया है उतनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कराएं, या अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मेसिस्ट से सलाह लेके इस सिरप को इस्तेमाल कराएं, तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें, अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मेडिसिन मार्केट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, शुभ दिन। और दोस्तों रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, कल परसों से रमज़ान चालू हो जाएंगे, तो दोस्तों रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह हाफिज़।